हाँ जी बच्चों बताइए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों। और इसमें देखिएगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस रेट ओल्ड पर। पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड, ये हम डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे जनरल इज और P&L, ये सब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी पार्टनर्स में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वेरी गुड, अनलेस एग्रीड अदरवाइज इट इज प्रिज्यूम दैट द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन इन देयर डैश एंड हेंस देयर डैश इज सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या, एक बार समझते हैं, अगर कुछ बताया नहीं गया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करते हैं किस रेशियो में, अगर नए ओल्ड रेशियो रेशियो। इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनका ये वाला रेशियो सेम रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, इनका गेनिंग रेशियो सेम रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट, डैश इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कौन से रेशियो पार्टनर, गेनिंग। कौन से गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बच्चों ध्यान देना, गुडविल जो बुक्स में अपियर होती है हम उसको राइट ऑफ किस में करते हैं और किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में आप गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन फर्म पेज एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, द एक्सेस अमाउंट इज डैश। जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं, जो भी उसका अमाउंट ड्यू है उससे ज्यादा, तो वो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट जो भी आपने दिया वो क्या बन जाएगी, गुडविल। गुडविल। मान लो पार्टनर का बनता है 120 टोटल अमाउंट ड्यू और आप पेमेंट कर रहे हैं 150, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ऑफ 30,000 विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट टू गिव इफेक्ट टू चेंज इन द वैल्यूज ऑफ डैश एंड डैश। एसेट एंड लाइबिलिटीज। वेरी गुड, हम यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज के चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, गेन ऑफ रिवैल्यूएशन को हम ट्रांसफर करते हैं टू द विच साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट क्रेडिट साइड में क्रेडिट आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं और लॉस को डेबिट। डेबिट साइड में डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं बच्चों। अब यहां पर ये आपके सामने है, पहले मैच द फॉलोइंग करते हैं। गेनिंग रेशियो किससे रिलेटेड है बच्चों, ढूंढ के बताओ जरा। गेनिंग रेशियो क्या होता था, न्यू माइनस ओल्ड होता था ना, यहाँ तो न्यू माइनस यस सर। नजर आ नहीं रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर को पैसा देना है उसे क्या बोला जाता है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन लोन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इवैल्यूएशन। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स का रिलेशन खत्म हो गया, एक पार्टनर गया तो पार्टनर्स का रिलेशन कम्स टू एन एंड, तो अब बचा क्या। गेनिंग रेशियो वैसे तो होता था न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन जब न्यू माइनस ओल्ड नहीं है तो हम गेनिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू से भी निकाल देंगे। आप ओल्ड माइनस न्यू करो तो नेगेटिव जो आएगा वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो कई बार बच्चों अगर यहीं पर एक और दिया हुआ होता कि न्यू माइनस ओल्ड भी होता ओल्ड माइनस के साथ, ओल्ड माइनस न्यू के साथ, तो हमारा आंसर क्या होता फिर, न्यू माइनस ओल्ड। आगे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्रेडिट किस में करते हैं बच्चों, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स को। एंट्री क्या होती थी गुडविल की, देखो जरा गुडविल की एंट्री सर होती है। रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। वेरी गुड, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कुछ आ रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट नहीं करेंगे, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो नहीं भाई, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर, ये तो ठीक है लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं करते, किस रेशियो में करते थे,
गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो. दिस विल बी द आंसर. एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर या हम उसे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं. सेकंड, बच्चों ध्यान से करिए इसको, बोर्ड में आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं. देखिए 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आओ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिवैल्यूएशन के गेन को आप क्रेडिट करते हैं किसके कैपिटल में? रिटायरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तभी पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. करेक्ट. थर्ड, इंक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. जर्नल एंट्री बोलो बच्चों, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या बनती थी? एंट्री बनती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी. लायबिलिटी तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो आंसर होगा डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. बच्चों एंट्री बोलो, एसेट इंक्रीज होगा तो जनरल एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं. तो योर आंसर विल बी ए, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एसेट के इंक्रीज होने पर एंट्री होती है एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. आगे चलते हैं. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. बच्चों अभी भी बात हुई लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन. Liability to revaluation, तो क्या करेंगे? Revaluation को हम credit कर देंगे. Decrease in the value of asset. Asset इसमें क्या होगा? जब asset decrease होगा तो asset खुद तो हो जाएगा credit और debit में. Revaluation debit. Revaluation debit. तो entry आ जाएगी revaluation account debit to asset account. तो हम revaluation को debit कर देंगे. Gaining ratio बच्चों क्या होता है? Gaining ratio कैसे calculate करते हैं? Old minus new. या न्यू माइनस ओल्ड, दोनों है यहाँ पर. तो न्यू माइनस ओल्ड रहेगा लास्ट. डी लास्ट. ठीक. डी पार्ट में ये एट्थ क्वेश्चन देखिएगा. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हरी फ्रॉम द फर्म ऑफ हरी राम शर्मा द बैलेंस शीट शोज द डेबिट बैलेंस. पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है बच्चों. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसमें से आपको कैलकुलेट करना है कि हरी को कितना पैसा दिया जाएगा. हरी का अमाउंट कैसे? फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू हरी दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड. पी एंड एल का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हो? एंट्री क्या? पार्टनर्स. पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है. जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस. एंट्री बनेगी हरी डेबिट, राम डेबिट, शर्मा डेबिट टू पी एंड एल. तो क्या करेंगे बच्चों? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पर? नहीं गिवन. तो क्या रहेगा बच्चों? इक्वली. तो क्या कर देंगे? हमें डेबिट करना है टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इक्वली. 2015 का क्वेश्चन है ये बच्चों. क्वेश्चन देखो अब आगे. नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. आपको लग रहा है मैं ज्यादा तेजी से चल रहा हूँ तो बताइए मुझे. नेक्स्ट, अब हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अमला बिमला कविता पार्टनर जिनका रेशियो 4:3:1. बिमला रिटायर हो रही है और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो देती है अमला को 3600 में और कविता को 3000 में. बच्चों जो पार्टनर रिटायर होकर के जाता है और दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या अमाउंट ले रहा है? गुडविल बोलते हैं. तो यहाँ पर बिमला क्या ले रही है? अमला और कविता से गुडविल ले रही है. कितना? 3600 और 3000. क्या लिया जा रहा है बच्चों? गुडविल. अब ये बताओ ये सवाल में क्या पूछ रहा है? गेनिंग रेशियो. गुडविल को आप किस रेशियो में डिवाइड करते थे? गेनिंग रेशियो में. तो ये गुडविल का डिविजन है तो यानी कि ये रेशियो क्या बन गया? यही गेनिंग रेशियो बन गया 36:30, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? 6:5 हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो. 6:5 हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा. जिस रेशियो में आउटगोइंग पार्टनर अपना शेयर लेकर के जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर से वो अमाउंट गुडविल का है और गुडविल को हम देते हैं गेनिंग रेशियो में. सेम ये भी क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट ईयर का ही है. जरा देखिए, सृष्टि नित्या आनंद पार्टनर है जिनका रेशियो 3:1 है.
सृष्टि रिटायर होती है और अपना शेयर वो सेल करती है प्रॉफिट का नित्या और आनंद को इन द रेशियो 2:1। बच्चों ये जो 2:1 गिवन है ये क्या है? जी न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है, वेरी गुड। तो पहले क्या कर ले हम, सृष्टि का शेयर देखते हैं कि सृष्टि का शेयर कितना है बच्चों, सृष्टि का शेयर है 3/2 भी कह सकते हैं। अब सृष्टि का शेयर किसने लिया, नित्या और आनंद ने लिया ये शेयर, किस रेशियो में लिया, नित्या और आनंद ने, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 1:2 बोल रहा हूँ। चलो बच्चों 3/6 मतलब 1/2 को किस रेशियो में लिया, 2/3 और 1/3 में। तो ये क्या हो गया, ये बन गया 1/3 और 1/6। तो अब हमसे पूछा गया न्यू रेशियो बताओ बच्चों, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, नित्या और आनंद का जो पहले शेयर हुआ करता था क्या था, 2/6 और 1/6, उसमें जो नित्या और आनंद ने लिया है उसको हम क्या कर दे, माइनस कर देना, एड एड करेंगे, वेरी गुड। जब लिया है तो शेयर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों 4/6 और ये क्या हो गया बच्चों 3/6। तो एक सेकेंड, ये आएगा हमारा 3×2=6, हाँ जी 2+2=4 हो गया, और इधर आ जाएगा हमारा पहले था 1/6, इसने लिया है 1/6 लिया है, आनंद ने 1/6 लिया है, तो 1/6 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2/6। तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों 4:2, जिसे हम क्या कह सकते हैं 4:2 को, 2:1 भी बोल सकते हैं, तो रेशियो हमारा आएगा 2:1। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए इसको, आराम से देखिए, और फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, एमसीक्यू पर। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। चलिए 11 सर, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, चैप्टर हमारे कहां तक, क्वेश्चन 39 तक मैंने दिए थे ना होमवर्क में लास्ट क्लास में। 11th एबीसी पार्टनर्स है बच्चों, जिनका रेशियो 3:1 है, सी को हमने रिटायर किया बच्चों, सी रिटायर हो गया तो नया रेशियो क्या हो जाता है, अगर रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला तो 3:2 ही हो जाएगा। एबीसी पार्टनर्स इनका रेशियो 3:1, ध्यान दीजिए सी रिटायर हो गया, और सी के रिटायर होने के बाद नया रेशियो 3:2 है। एक बात सुनो अब ध्यान से, वैसे तो आपके पास में गेनिंग रेशियो पूछा है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता था बच्चों, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते थे, न्यू माइनस ओल्ड। तो देख लिया लक्षित क्या कर रहे हो, लक्षित यस सर बेटा माइक अपना म्यूट रखो, सॉरी सर। हाँ जी चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रेशियो 12th में, देखिएगा एबीसी पार्टनर्स है, इनका रेशियो क्या है 3:2:1, सी रिटायर हुआ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। तो न्यू रेशियो भी आपको गिवन है, ओल्ड रेशियो भी आपको गिवन है, तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा न्यू माइनस ओल्ड करके। लेकिन अब एक बात और देखो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, यहाँ पर न्यू रेशियो भी 3:2 और ओल्ड रेशियो भी कितना है 3:2। तो बताइए बच्चों गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, जब दोनों ही सेम है तो 3:2 ही रहेगा। बाकी आप करके चेक करना चाहते हैं करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एबीसी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, सी रिटायर हो रहा है, इफ ए एंड बी टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वली, सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना है बच्चों, सी का शेयर है 1/6, एंड बी ने लिया है शेयर को इक्वली, तो व्हाट ए टेक्स व्हाट बी टेक्स, ए और बी ने क्या लिया है 1/6 का वन बाय ट्वेल्व लिया ए ने और 1/12 लिया बी ने। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बताओ बच्चों, क्या करूं मैं, न्यू गेन ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड रेशियो क्या था, ए का 3/6 और बी का था 2/6, तो 7:5 ये आ जाएगा 1/12 और ये आ जाएगा 1/12, ऐड कर दिया तो बेटा आ गया 7/12 और 5/12, सो योर रेशियो विल बी 7:5, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं
14th क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स रेशियो 2:1, बी रिटायर होता है एट द टाइम गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 30,000. गुडविल फर्म की है 30,000. व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मेड बाय ए एंड सी टू पे बी. बच्चों बताओ गुडविल कितनी मिलेगी बी को. बी का शेयर कितना है? बी का 1/5. तो कितनी मिलेगी? 6,000 मिलेगी. गुडविल फर्म की है 30,000. बी का शेयर, सॉरी नॉट वन, बी का शेयर 2/5 होगा. 2/5 है, बिल्कुल ठीक. बी को मिलेगी 12,000. अब देगा कौन बी को? ए और सी देंगे. किस रेशो में? गेनिंग रेशो में. गेनिंग रेशो क्या है बच्चों? यहाँ पर बी तो रिटायर हो गया, तो बी के रिटायर होने के बाद जब नए रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रेशो 2:1, 2/3 और 1/3 कितना अमाउंट आ जाएगा? 8,000 और 4,000. तो अभी 2 मिनट के नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन अब करेंगे. तो जरा पहले 15th क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं आपके साथ में. क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी पार्टनर्स, इनका रेशियो 2:1, इनकी कैपिटल गिवन है 50-50 और 25,000. बी रिटायर होता है और जनरल रिजर्व है 15,000 जब बी रिटायर हो रहा है. गुडविल है 30,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 7,050. ये कहता है बी के लोन में कितना अमाउंट जाएगा. तो बच्चों जो बी का टोटल अमाउंट बनता है वो फाइंड कर लो. बी को क्या क्या चाहिए जब रिटायर होकर के जाएगा? बी को अपनी कैपिटल लेके जाएगा, कितनी है? 50,000. और क्या लेके जाएगा बी? जनरल रिजर्व, गुडविल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. प्रॉफिट जनरल रिजर्व कितना है? 15,000. गुडविल कितनी है? 30,000. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 7,050. टोटल कितना बन गया? 52,050. बच्चों पूरा अमाउंट गुडविल का, पूरा जनरल रिजर्व का सारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम बी को दे दें या बी का शेयर दें? नो सर, उसके शेयर देंगे. बी का शेयर देंगे. तो सबका टोटल कर लिया, जनरल रिजर्व भी दे रहे हैं, गुडविल भी दे रहे हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे रहे हैं. टोटल 52,050, जिसमें से बी का शेयर है 2/6, 1/3. कितना हो गया? कितना अमाउंट देंगे बच्चों? 52,050 / 3, ये दे देंगे 17,350. 1,7,350. तो बताओ कितना अमाउंट टोटल आ गया? 6,7,350. एक सेकेंड, बी का शेयर 2/5 होगा. 2/, अच्छा सॉरी 2/5 था बच्चों यहाँ पर इसका. तो इसको हम कर लेंगे 2/5. तो ये आ गया 52,050 × 2/5. 20820. ये तीनों चीजें चाहिए, 20820 और चाहिए कैपिटल 50. तो अमाउंट आ गया 70820. आंसर में बी आ जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट. रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर. रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में कॉम्पेंसेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को? गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो में किस चीज के थ्रू कॉम्पेंसेट करते हैं? क्या देते हैं बच्चों? गुडविल. गुडविल देते हैं. गुडविल को कॉम्पेंसेट किया जाता है, गुडविल के थ्रू कॉम्पेंसेट किया जाता है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी होता है रिटायरमेंट के टाइम पर, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे पार्टनर्स में? क्रेडिट में, ओल्ड रेशियो में. नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों ये बताओ, एबीसी पार्टनर्स जिनका रेशियो, ये भी सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, जिनका रेशियो 5:3:2, ध्यान से पढ़ो. सी रिटायर हुआ और उसकी कैपिटल का बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, रिवैल्यूएशन का गेन, सब कुछ मिलाकर के कितना बनता है? सी का अमाउंट बनता है 2,50,000 रुपए. लेकिन बच्चों हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं सी को? 3,22,000. तो आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो कितना पे कर रहे हो? 72,000. ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया ये क्या माना जाएगा? गुडविल. गुडविल. गुडविल रिटायरमेंट में ऐसे ही होती है. कैलकुलेट कर लो टोटल अमाउंट ड्यू क्या है रिटायरिंग पार्टनर का. फिर क्वेश्चन अगर बताता है कि आपने पेमेंट कुछ एक्सेस में की है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ पेमेंट ओवर द अमाउंट ड्यू विल बी द गुडविल. फॉर 72,000 आंसर हो जाएगा. तो ये बच्चों सबका हो गया. अब जल्दी से कर लो, इसके बाद में हम आगे चलेंगे. ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट का
आ गया है तो कैपिटल एडजस्टमेंट। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। केस नंबर वन, यहां पर बात कर रहे हैं अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का। ठीक है, केस नंबर वन बच्चों देखिए, क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके सामने, एबीसी पार्टनर, इनका रेशियो है 3:1 और इनकी कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। सिंपल सी फिगर ले रहा हूं, सपोज 30,000, 20,000 और अच्छा ये रेशियो 2:1 ले लेते हैं, 2:1 और कैपिटल है 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, फ्यूचर का न्यू रेशियो है इनका इक्वली, रिटायर होता है यहां पर बी, बी रिटायर होता है और क्वेश्चन आगे कहता है कि ए एंड सी डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल, टू मेंटेन देयर कैपिटल एज रुपीज कितना ले लें बच्चों, 70,000। ठीक है, 70,000 ए और सी की फ्यूचर कैपिटल रहेगी। फाइंड द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन और पेड टू पार्टनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। बच्चों इसको पहले आप लिख लेंगे, चलिए अभी लिखेंगे, दो मिनट हो गए, ये साथ में लिख लेना सारा कुछ एक साथ ही। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है, सॉल्यूशन तो होता रहेगा। कैपिटल पार्टनर्स की 30, 20, 10,000 है, नया रेशियो इक्वल है, बी रिटायर हो गया तो बी के बाद ए और सी बचे। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में हमें अपनी कैपिटल कितनी रखनी है बच्चों, 70,000, और कैसे रखनी है अपनी कैपिटल, प्रोपोर्शनेट मेंटेन करनी है, मतलब जैसा हमारा रेशियो वैसी कैपिटल रहेगी। और कैपिटल को प्रोपोर्शनेट रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो पार्टनर्स कैश लाएंगे भी या फर्म से लेके भी जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों या नहीं, पहली बात तो। यस सर। अब यहां पर देखो, ए और सी की फ्यूचर कैपिटल क्या है, न्यू कैपिटल है 70,000 जिसको ये मेंटेन करेंगे ए और सी न्यू रेशियो में, यही तो लिखा है। न्यू रेशियो क्या है इनका, इक्वल। तो ये बताओ बच्चों, इस हिसाब से नई कैपिटल ए और बी की क्या होगी। इन्होंने कहा कि कैपिटल 70,000 और इन्हें ये कैपिटल मेंटेन करनी है न्यू रेशियो में, तो दोनों की कैपिटल फ्यूचर में फर्म के अंदर रहेगी 35,000। मुझे लग रहा है यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अब ओल्ड कैपिटल से इसे कंपेयर करो बच्चों, ए की पहले कैपिटल क्या थी और सी की क्या 30. थी और 10, है ना, ए की पहले 30,000 थी, सी की पहले 10,000 थी। तो बच्चों दोनों को कंपेयर करके पता चल रहा है कौन कैश लाएगा या कौन कैश लेके जाएगा। पहले थी 30,000 ए की रखनी है, 35 तो बी, ए को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लाना है। और सी की कैपिटल पहले क्या थी, 10,000, अभी कितनी रखनी है, 35, सी को भी क्या करना है, लाना है 25,000 लाना है। अगर लाने की एंट्री भी बोले ये, तो एंट्री कैसे करेंगे हम, एंट्री अगर मुझे बनानी हो तो दोनों ही कैश लेके आएंगे, कैश लाएंगे तो कैश बिजनेस में इंक्रीज हो गया, डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, कौन ला रहा है, करंट अकाउंट कैपिटल से, कैपिटल से लेके आएंगे ए और सी दोनों अपने कैपिटल से लेके आएंगे। फर्म में पैसा लाएंगे तो दोनों की कैपिटल क्या कहोगे, इंक्रीज हो गई ना, इंक्रीज हो गई सर। हाँ, दोनों पहले 30 था, 5,000 और ले आया तो सी की कैपिटल 35 हो गई, इंक्रीज हो गई। सी की पहले 10,000 थी कैपिटल, 25 और ले आया तो सी की कैपिटल 10,000 से कितनी पहुंच गई, सर बट लाया कहां से, वो लाया कहां से, अपने घर से लाया बेटा। अच्छा ठीक है ना, उसको इंट्रोड्यूस करना है। अब कहता है कि मेरी कैपिटल तो फर्म में 30 है बट हमें मेंटेन करनी है 35, तो फर्म कहेगी भाई ले आओ तो कहां से लेके आएगा, वो अपने पर्सनल सोर्सेज से लेके आएगा, तो फर्म में क्या होगा,
फर्म के पास कैश आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और ए और सी कैपिटल ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे तो ए और सी की कैपिटल इंक्रीज हो गई। एक बार वापस देख लीजिए, अरुण, तरुण और वरुण बच्चों पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का 4:3:2। तरुण पार्टनर रिटायर हो जाता है, तीनों की कैपिटल दी गई है 19650, 19800, 9150। क्वेश्चन कहता है कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल जो फिक्स रहेगी फ्यूचर में वो 28,000 है, जिसको अरुण और वरुण प्रोपोर्शनेटली मेंटेन करेंगे न्यू रेशियो में। तो हमने क्या करना है बच्चों, अरुण और वरुण क्या कर रहे हैं, इनकी न्यू कैपिटल कितनी रहेगी फ्यूचर में, 28,000, जिसको ये मेंटेन करेंगे किस रेशियो में, 5:3 में। तो जब 5:3 में हमने डिवाइड किया तो कैपिटल आ गई अरुण की 17,500, वरुण की आ गई 10,500। अब आगे देखिए, ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और बॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कैपिटल इतनी मेंटेन रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो पार्टनर्स कैश लाएंगे या हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करो, ओल्ड कैपिटल कितनी है अरुण की, 19650, और बच्चों कितनी है यहां पर दूसरे पार्टनर की, 9150। तो अब बताइए क्या होगा, पहले कैपिटल थी अरुण की 19650, अभी रखनी है 17500, तो कम मेंटेन करनी है या ज्यादा, कम मेंटेन करनी है, कम मेंटेन करनी है तो क्या करे पार्टनर, कैश विदड्रॉ कर ले बिजनेस से, ठीक, ये कैश निकाल लेगा अरुण 2150। वरुण की कैपिटल 9150 थी और इसको मेंटेन करनी है 10,500, ज्यादा मेंटेन करनी है तो बच्चों इसको लानी पड़ेगी कितनी कैश, 1350। अब जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो क्या होगा, जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम पेमेंट कर रहे हैं अरुण को, तो एंट्री हो जाएगी अरुण लेके जा रहा है बिजनेस से, कैपिटल डिक्रीज हो गई डेबिट, कैश विदड्रॉ कर रहा है तो कैश क्रेडिट, और वरुण बिजनेस में कैश लेके आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो गया डेबिट हो जाएगा, अरुण वरुण लेके आ रहा है तो वरुण की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। जल्दी से करिए इसको बच्चों, यहां पर देखिए सेकंड केस शुरू कर रहा हूं, एबीसी पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो 2:1 गिवन है, कैपिटल पार्टनर्स की गिवन है 30, 20 और 10,000। क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि बी रिटायर हुआ और ए एंड सी का न्यू रेशियो रहेगा इक्वल। अब आगे क्या कैपिटल एडजस्टमेंट है, हम टॉपिक क्या लेकर के चल रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पर एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोलता है कि ए एंड सी यानी कि क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल, टू मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है, यहां पर बी तो रिटायर होकर चला जाएगा तो बताओ ए और सी की कैपिटल क्या बचेगी, ए और सी की कैपिटल क्या है आपके पास आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 30,000 and 10,000। तो ए और सी की कैपिटल कितनी है, 40,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया, रिमेनिंग पार्टनर्स ने, कि उनकी जो भी कैपिटल है उसको हम क्या करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दें। तो बच्चों यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे पास, बोलो जल्दी से, इक्वल। तो ये 40,000 कैपिटल ए और सी में हम डिवाइड कर देंगे इक्वली, तो हमें क्या मिल जाएगी, ए और सी की न्यू कैपिटल मिल जाएगी। जब आप उनकी कैपिटल को डिवाइड कर दोगे प्रोपोर्शनेटली उनके न्यू रेशियो में तो इनकी कैपिटल आ गई दोनों की 20,000। अब क्या करें इसको, बाद में आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ओल्ड कैपिटल के साथ। ओल्ड कैपिटल ए की 30, सी की 10। तो बच्चों बताओ अब क्या करना पड़ेगा, ए को ए कैश विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा 10,000, 30 थी 10, 20 रखनी है तो ए यहां से विड्रॉ कर लेगा, अरे भाई किधर गए, ए विड्रॉ कर लेगा
ये क्या करेगा, यहाँ पर विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ करेगा बच्चों? 10,000। और सी को क्या करना पड़ेगा? 10,000 फी 20 मेंटेन करनी है, तो सी इंट्रोड्यूस करेगा। अगर आप जर्नल की बात करते हैं तो ए कैश लेके जा रहा है, एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल डेबिट टू कैश, और सी लेके आएगा तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। जल्दी से कर लीजिए बच्चों इसको कंप्लीट। अब दिस इज योर सेकंड केस। देखिए बच्चों, सेम हम बुक्स ऑफ इलस्ट्रेशन 37 कर रहे हैं, जो सेकंड केस आपको बताया गया। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर जिनका रेशियो 4:3:2, रिटायर हुआ है पार्टनर वाई, और रिटायर होने के बाद में इनकी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल तीनों की दी गई है 65,800, 57,225, 33,800 XYZ की। Y तो हो गया रिटायर। अब ये कहता है कि कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, नई फर्म की कैपिटल जो भी होगी उसको हम एडजस्ट करेंगे, कैसे? कैश ला करके या कैश विदड्रॉ करके, सो दैट फ्यूचर कैपिटल एक्स और जेड की हमारी हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन। तो क्या करें बच्चों, एक्स की कैपिटल 65,800, जेड की कैपिटल 33,800। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और कैपिटल की जो भी कैपिटल है ये है, इसको हमें क्या करना है, फ्यूचर में मेंटेन करना है न्यू रेशियो में। तो बच्चों 99,600 को जब आप न्यू रेशियो में मेंटेन करोगे, न्यू रेशियो है क्या, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, Y तो रिटायर हो गया, तो बताओ न्यू रेशियो क्या बचेगा? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 4:2 यानी कि 2:1 बचेगा, किसके लिए, X और Z के लिए। तो कैपिटल ये, रेशियो ये, कैपिटल को मेंटेन करना है न्यू रेशियो में, तो 99,600 का 2/3, 99,600 का 1/3 आ गया 33,200। एक्स और जेड की न्यू कैपिटल आपको मिल गई। अब आप इसे कंपेयर कर लें इनकी एग्जिस्टिंग पुरानी कैपिटल से। एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल 65,800 है और जेड की एग्जिस्टिंग कैपिटल 33,800 है। एक्स को क्या करना है, कैपिटल ज्यादा मेंटेन करनी है तो लेके आएगा 600। जेड को क्या करना है, कैपिटल 600 रुपए कम मेंटेन करनी है तो ये विड्रॉ कर लेगा। जल्दी से सभी बच्चे इसे सॉल्व करें। किसी का छूट रहा हो तो बताइए, फिर हम डन सर। हो गया सभी का तो डन। ओके जी, केस दो बताए जा चुके हैं और थर्ड केस हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब केस नंबर 3, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 3। बच्चों पहले दो में डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट एडजस्टमेंट में कैपिटल का अमाउंट आपको दिया गया था, सेकेंड एडजस्टमेंट में ये बोल दिया गया था कि रिमेनिंग पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उसी को वो न्यू रेशियो में मेंटेन कर लेंगे। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर एक्स और जेड जैसे पार्टनर बचे हैं उनकी जो भी एडजस्टेड कैपिटल है उसको ऐड करो, न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, फर्स्ट केस में दी गई थी। थर्ड केस, ए बी सी पार्टनर रेशियो इनका 3:2:1 ले लेते हैं, 2:1, और कैपिटल इनकी है बच्चों 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, 30,000, 20,000 और 10,000 इनकी कैपिटल है तीनों की। अब क्वेश्चन कहता है कि किसको रिटायर कर रहे हैं हम, बी को। बी रिटायर हो जाता है एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, ये चीज बोली गई, साथ में इसके ये भी बोला गया कि ए एंड सी बी टू बी पेड, बी टू बी पेड इन कैश, बी की आप पेमेंट करेंगे कैश से, और कैश कौन लेके आएगा, बॉट बाय ए एंड सी, सो दैट देयर कैपिटल should be in new profit sharing ratio। बच्चों बात क्लियर है या नहीं, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है एक बार वापस देख लीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी पार्टनर है, बी को हमने रिटायर कर दिया, ए और सी का न्यू रेशियो इक्वल, यहां तक कोई परेशानी नहीं, इसको ध्यान से समझो और बताओ, किसी को समझ में नहीं आता तो। बी को हमें पेमेंट करनी है, बी रिटायर होके जाएगा तो बच्चों बी को पैसा देना पड़ेगा, और वो कैश लेके कौन आ रहा है, ए और सी। अब जब बच्चों ये बताओ कि ए और सी कैश लेके आएंगे तो ए और सी की कैपिटल पर कोई फर्क पड़ेगा या सेम रहेगी? जब ए और सी कैपिटल कैश लेके आएंगे तो ए और सी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और जो भी इनकी कैपिटल होगी वो इस कैपिटल को मेंटेन करेंगे न्यू रेशियो में। तो पहले ये देख लेते कैपिटल क्या होनी चाहिए ए और सी की। ए और सी की जो अभी कैपिटल है बच्चों वो कितनी है ये बताओ। ए की 30 है, सी की 10 है, अभी ए और सी की कैपिटल मिला दें तो कितनी है 40। फ्यूचर में ए और सी मिल करके कैपिटल ला रहे हैं कितनी, टू मेक द पेमेंट ऑफ बी। कितनी पेमेंट करनी है बी को, 20,000 रुपए की। तो 20,000 कौन लेके आएंगे, ए और सी। जब ए और सी कैपिटल ले आएंगे कैश में तो ए और सी की फ्यूचर कैपिटल क्या होगी बताओ, फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगी ऑफ ए एंड सी, 60,000। ठीक है, यहां पर बात समझ गए, क्या ऐड किया यहां पर इस एडजस्टमेंट में, क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए कैश कौन लेके आ रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल में जो आपको पेमेंट करने के लिए कैश ला रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, उसको भी ऐड कर दो, इनकी फ्यूचर कैपिटल आ जाएगी। अब क्या करेंगे, फ्यूचर कैपिटल हमें पता चल गया बच्चों ए और सी की कितनी है, फ्यूचर कैपिटल है ए और सी की 60,000, जो कि इनको मेंटेन करनी है न्यू रेशियो में। तो ए और सी की न्यू कैपिटल बोलो बच्चों कितनी हो गई, 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे, ए और सी का न्यू रेशियो इक्वल कितनी होगी बच्चों, 30,000 और 30,000। अब इनके पास ओल्ड कैपिटल कितनी थी, 30,000 और 10,000। क्या करें, अब ए को तो कुछ नहीं करना, ना कैश लाना ना विड्रॉ करना, सी को लाना पड़ेगा कितना कैश, 20,000। ठीक है ना, जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो फिर आगे चलते हैं। लेके बच्चों केस नंबर 4, ए बी सी पार्टनर रेशियो 2:1, कैपिटल 30,000, 20,000 और 10,000। क्वेश्चन कहता है कि बी रिटायर और ए और सी का न्यू रेशियो रहेगा इक्वली। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी तो रिटायर हो गया, ए और सी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। क्वेश्चन बोलता है कि बी टू बी पेड इन कैश, ठीक है, बी को पेमेंट करनी है और कैश बॉट बाय, अपने कैपिटल से नहीं दे रहे, फर्म को लाके कैश देंगे, कैश बॉट बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। बच्चों ये वाला तो वही केस हो गया ना जो अभी किया था, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करने के लिए पैसा कौन लेके आ रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स। कितना ला रहे हैं, टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ताकि उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन हो जाए। यहां तक सेम है या अलग है बताओ, कुछ अलग लग रहा है तो बताओ बच्चों। बी को पेमेंट करनी है कैश, ए और सी ला रहे हैं और इस तरीके से ला रहे हैं कि इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन हो जाए। तो यहां तक आप क्या करते थे, तीनों की कैपिटल ऐड करके आपने न्यू रेशियो में डिवाइड कर दी थी ना। अब इसके बाद यहां पर ये भी लिखा है, ऑल्सो दे वॉन्ट टू मेंटेन देयर कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 और अभी इनका प्रेजेंट में बैंक बैलेंस है या कैश बैलेंस है, इनका अभी प्रेजेंट में कैश बैलेंस है ₹16,000। बस ये वाली एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी, बाकी तो सब सेम है बच्चों। अब ये बताओ ए और सी की कैपिटल कितनी है यहां पर,
30,000 और 10,000, कितनी कैपिटल है ए और सी की मिला दें तो 40,000। बच्चों फ्यूचर में कितना पैसा ला रहे हैं बी को पेमेंट करने के लिए, ए और सी विल ब्रिंग कितना लाएंगे बोलो? 20,000 और लाएंगे, पक्का? एक तो बी की पेमेंट करने के लिए लाएंगे, कितने पेमेंट करनी है बी को? 20, और साथ में कुछ कैश में भी तो मेंटेन करना है, कैश कितना था? 16,000, कितना मेंटेन करना है फर्म में? 20,000 ज्यादा मेंटेन करना है, तो 4,000 और एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ेगा या नहीं बताओ? पार्टनर्स के पास फर्म में पहले से 16,000 था, लेकिन अब फर्म कहते नहीं भाई फ्यूचर में 20,000 रखना है, अब फर्म के पास कैश आएगा कहां से? कौन लाएगा? पार्टनर्स लेकर के आएंगे। तो इन टोटल, हाँ जी सर, इसमें फिर 8,000 लाएंगे, 4,000 जितनी शॉर्टेज है, 16,000 कैश है, हमें फ्यूचर में कैश मेंटेन करना है 20,000। फर्म का है ये, इंडिविजुअल पार्टनर का नहीं है, ठीक है? ओके ओके सर। और टोटल 4,000 की शॉर्टेज है, 4,000 और ले आए बी की पेमेंट करने के लिए, 20,000 ले आए, तो कुल मिला के 24,000 कैश लाए ए और सी मिलके। तो टोटल ए और सी की फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगी? न्यू कैपिटल हो जाएगी ए और सी की 64,000, जो कि इनको मेंटेन करनी है न्यू रेशो में। तो इनकी न्यू कैपिटल हो जाएगी 64,000 न्यू रेशो में, और न्यू रेशो हमारे पास है इक्वल, तो कितना आ गया बच्चों? 32,000 ए और सी की फ्यूचर कैपिटल हो गई। अब इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है बच्चों? ए और सी की 30,000 ए की है और सी की 10,000 है, तो क्या करना पड़ेगा? ए विल ब्रिंग 2,000, सी विल ब्रिंग 22,000। कंप्लीट करिए इसको बच्चों। क्वेश्चन कहता है इलस्ट्रेशन 40 की, हमारे पास एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 5:3:2। वाई रिटायर हो जाएगा फर्म से, वाई के रिटायर होने के बाद में एक्स वाई जेड की जो कैपिटल गिवन है, एक्स वाई और जेड की जो हमें कैपिटल गिवन है 43,200, 36,600 और 11,200 है। कैश और बैंक में कितना बैलेंस है हमारे पास? 4,000 है, ठीक। क्वेश्चन कहता है वाई टू बी पेड थ्रू कैश बॉट बाय एक्स और जेड, एक्स और जेड कैश लाएंगे वाई की पेमेंट करने के लिए, इन सच अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो है एक्स और जेड का 3:2, और हमें बताना है कि कैश कितना पे करे या पार्टनर कितना कैश लेके आए, ताकि फ्यूचर में इनका बैंक बैलेंस 3,000 रुपए हो जाए। तो क्या करें? एक्स की कैपिटल और जेड की कैपिटल कितनी है? वाई तो रिटायर हो गया, 43,200, 11,200, अभी कितनी है? 54,400 है। तो एक्स एंड जेड विल ब्रिंग कितना पैसा लाएंगे वाई को पेमेंट करने के लिए? बच्चों वाई को कितना पैसा देना है बताओ? 36,600। और कैश आपको ज्यादा रखना है या कम? 4,000 था, कैश मेंटेन करना है 3,000, कम रखना है, तो 1,000 तो फर्म ही दे देगी वाई को, फर्म के पास 1,000 कैश फालतू है, तो एक्स और जेड को कितना लाना पड़ेगा? 35,600, ठीक है। हमने वाई को पेमेंट करनी है 36,600, फर्म के पास 1,000 कैश फालतू है, फर्म ने पे कर दिया 1,000, तो एक्स और जेड को लाना पड़ेगा 35,600। तो टोटल ये अमाउंट हो गया 90,000 हो गई फ्यूचर कैपिटल एक्स और जेड की, एक्स और जेड की न्यू कैपिटल हो जाएगी 90,000, जो कि इनको मेंटेन करनी है न्यू रेशियो में, क्या है? 3:2। तो ये बन गया 54,000 और 36,000। पहले से इनके पास एक्स और जेड के पास ओल्ड कैपिटल है 43,200 और बच्चों 11,200, तो बताओ क्या करना चाहिए? दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्स लेके आएगा 10,800 और ये लेकर के आएगा 4,2,4 और यहाँ पर 24,800, ठीक है। ये हो गए हैं बच्चों आपके सारे केसेस खत्म, यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट के छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हिसाब से। सर हाँ जी, एक बार केस 4 दिखा दीजिए, पूरा नहीं लिखा था। ठीक है,